यूपी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन सूबे का सीएम कौन बनेगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया। बीजेपी आलाकमान जहां सीएम पद को लेकर मंथन में जुटा है, तो वहीं समर्थक अपने अपने नेता के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब जनता को इस बात का इंतजार है कि आखिर उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा। यूपी के चेहरे को लेकर जनता की जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन नए नए नाम सामने आ रहे हैं। सियासी गलियारों में जहां अटकलबाजियों का बाजार गर्म है, तो वहीं अब इसमें आस्था का तड़का भी लग रहा है। अपने पसंदीदा नेता को सीएम बनवाने के लिए समर्थक पूजा और हवन का भी सहारा ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, इस निमित्त हम लोगों ने हवन किया है। भगवान उन्हें जो है जल्द से जल्द सीएम बनावे, जो हम लोगों की यही उम्मीद है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई नाम हवा में तैर रहे हैं। इनमें एक नाम केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भी है। राजनाथ सिंह से जब इस बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इसे खारिज करते हुए फालतू बात करार दिया। सर बड़ा खबरों में एकदम चल रहा आपका नाम। फालतू बात तो बना आवश्यक है सर। रहे क्या फालतू बात है? नहीं जाएंगे। उधर जानकारों का मानना है कि यूपी में मुख्यमंत्री का चयन पीएम मोदी और अमित शाह के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि चयन सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री का नहीं बल्कि पूरी सरकार का होना है, यानी पूरा कंप्लीट पैकेज, जिसमें सीएम के साथ साथ मंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जैसे अहम पद भी शामिल हैं। उस लैंडस्लाइड विक्ट्री के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के सामने बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई है, और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह से इस कॉम्प्लेक्स राज्य के कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स को सुलझाया जाए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजी पुलिस, ये तीन ऐसे पद होते हैं जिसमें कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण बैठा के ही कोई चयन करना पड़ता है जी। और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आलाकमान को मुख्यमंत्री के चयन में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और इसलिए डिले हो रहा है। यूपी की जनता ने मैंडेट पीएम मोदी को दिया है, यानी सूबे की सरकार और सरकार के हर फैसले के लिए जिम्मेदार भी मोदी ही होंगे। ऐसे में एक गलत फैसला मोदी के मिशन 2019 पर पानी फेर सकता है, इसीलिए बीजेपी आलाकमान हर कदम बेहद फूंक फूंक कर उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।